नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बधाए, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में, जिसमें हम रोजाना चर्चा करते हैं पाली सूत्रों पर आधारित तथागत बुद्ध की जीवनी पर और उनके बताए उपदेशों पर। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे कि पूरे विश्व में अशांति फैली हुई है। अगर अभी के परिप्रेक्ष्य में देखें तो रूस और यूक्रेन से हम निकले नहीं थे, अब सूडान का नाम आने लगा है। हर देश में कुछ न कुछ लेकर समस्याएं चली आ रही हैं। यह कहना आसान है कि हमें युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। भंते जी, क्या तथागत बुद्ध के सिद्धांतों के माध्यम से इन सब समस्याओं का हल निकाला जा सकता है, या इसको हम बता सकते हैं कि कैसे इससे निजात मिलेगी? साथ ही मन को शांत करने के लिए हमें ध्यान साधना से अवगत कराएं। इस विषय पर हमारा मार्गदर्शन देने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं भंते कुशल सुमन जी। आपने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा आप अनेकों सम्मानों से अलंकृत होने के साथ साथ अनेकों मंचों से बुद्धिज्म पर अपने विचार दे चुके हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते कुशल सुमन जी का। भंते जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सर्वप्रथम मेरे आचार्य श्री के पुण्य चरणों में कोटि कोटि नमन, फिर मेरे उपाध्याय भंते के पुण्य चरणों में कोटि कोटि नमन। भंते जी, एक बार फिर आपका स्वागत है। अब समय की सीमा को देखते हुए हम अपने मुख्य विषय पर आते हैं। भंते जी, आज विश्व में अशांति फैली हुई है। अगर अभी की परिस्थिति को देखें तो रूस और यूक्रेन से निकले नहीं थे, अब सूडान का नाम आने लगा है। हर देश में कुछ न कुछ लेकर समस्याएं चली आ रही हैं। यह कहना आसान है कि हमें युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। भंते जी, क्या तथागत के सिद्धांतों के माध्यम से इन सब समस्याओं से कैसे निजात मिलेगी? साथ ही मन को शांत करने के लिए हमें ध्यान साधना से अवगत कराएं। भंते जी, कृपया अवगत कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आरपी सिंह जी। रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध है, फिर सूडान, तो ये कुछ एक शुरुआत नहीं है। आप देखेंगे दर्शकों की संपूर्ण मानव जाति के इतिहास में युद्ध, दंगे, फसाद, लड़ाई, झगड़े चलते रहे। ये क्यों होता है? जो मनुष्य जीवन है, जो मनुष्य योनि है, ये संघर्षों से भरा है। लड़ाई, झगड़ा, ये इसके लक्षणों में बसा हुआ है। वैसे तो तथागत बुद्ध ने कहा है कि 31 प्रकार के लोक हैं। उन 31 प्रकार के लोकों को 3 श्रेणियों में बांटा है। कहा है अरूप लोक है, रूप लोक है और कामलोक है। तो ये जो कामलोक है, मनुष्य योनि इसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा और क्या क्या आता है? इसके अलावा पशु आते हैं, प्रेत योनि आती है, नरक लोक आता है, और मनुष्य योनि के ऊपर अगर हम देखते हैं तो कुछ हद तक कुछ देवलोक भी कामलोक के अंतर्गत आते हैं। तो ये कामलोक का लक्षण ही है संघर्ष करना, लड़ाई झगड़े करना। तो लड़ाई झगड़ों से मनुष्य जीवन में अगर हम सोचें कि धरती पर लड़ाई ना हो, झगड़े ना हो, तो ऐसा समझना बिल्कुल भी ऐसा कहलाएगा कि कोई व्यक्ति ख्याली दुनिया में है। मगर फिर भी इसकी हम अपेक्षा ज़रूर करनी चाहिए कि मनुष्य जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है और धरती पर जिंदा रहते हुए हम एक अच्छे समाज की कल्पना कर सकते हैं। तो पहले ये समझें, युद्ध क्या है, दंगा क्या है, विवाद क्या है।
विवाद हम उसे कहेंगे जब दो या दो से अधिक लोगों के बीच में मतभेद होता है, तो उस मतभेद को विवाद कहा जाता है। ये विवाद हो सकता है कि मौखिक रूप तक ही बस सीमित रहे, इसका प्रभाव मौखिक रूप से आगे ये बात ना बढ़े। मगर जो दंगे हैं, दंगे क्या होता है, जब कहीं लोगों का एक समूह बन जाता है और वे किसी और समूह का, किसी और एक ग्रुप का विरोध करता है, उस विरोध के चलते लड़ाई झगड़े करता है, मारपीट करता है, तो ऐसी ऐसी दशा को कहेंगे कि दंगा है। अब युद्ध क्या है? तो युद्ध में जब दो देश एक दूसरे के आमने सामने आते हैं और किसी विषय को लेके उलझ जाते हैं, तो उस अवस्था को, स्थिति को कहा जाएगा कि ये युद्ध है। तो युद्ध क्यों होता है, दंगा क्यों होता है, विवाद क्यों होता है, इसके तो कई कारण हो सकते हैं। मगर जितना जितना मैं अपने बौद्धिक स्तर पे समझता हूँ, विवाद के, दंगों के, युद्ध के मुख्यतः चार कारण हो सकते हैं। इनमें से कुछ संसाधनों के चलते हो सकते हैं। संसाधन मतलब रिसोर्सेस। अगर कहीं पे रिसोर्स की कमी हो, उस कमी की पूर्ति करने के लिए कि वे रिसोर्स उन तक पहुँचे, इसके चलते कुछ लोग आपस में एक दूसरे से विवाद में उलझ सकते हैं, या दंगों में उलझ सकते हैं, या युद्ध में उलझ सकते हैं। अब इन संसाधनों के अलावा और क्या कारण हो सकते हैं? तो इन संसाधनों के अलावा मान लेते हैं किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ, तो उस अन्याय का उसे अगर ब्यौरा चाहिए तो वे न्याय के लिए लड़ेगा। तो जब उसे न्याय नहीं मिलता है, तब वे विवाद, इस प्रकार के दंगे, युद्धों में उलझ सकता है। अब कुछ विवाद होते हैं जो अहंकार के चलते हैं, तो हो सकता है कि उन उन विवादों का रूट लेवल पे देखा जाए तो कोई संसाधन उसका कारण ना हो, ना कोई न्याय उसका कारण हो, मगर हो सकता है कि वे अहम के चलते होते, अहम भावना को तृप्त करने के लिए कुछ विवाद, युद्ध, दंगे किए जाते हैं। और कई सारे जो युद्ध हम देखते हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं ये जो रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रहा है, कुछ नहीं, क्या है, लालच है इसका आधार, इसका रूट। तो इस प्रकार से मैं इन चार कारणों को देखता हूँ। तो वैसे ही जब दो देश आमने सामने आते हैं, जैसे एक दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति आमने सामने आते हैं और एक दूसरे से विवाद में उलझते हैं, वैसे ही दो देश भी इसी प्रकार से आमने सामने जब उलझते हैं तो इन्हीं चार कारणों को लेके उलझते हैं। या तो संसाधन होगा उनमें से कारण, या तो लालच होगा, या तो अहंकार होगा, या तो न्याय को लेकर होगा। तो इतना तो हमने समझ लिया। अब इतना समझने के बाद एक सबसे बड़ा प्रश्न हमारे सामने खड़ा होता है कि एक जानवर भी, जैसे आप लोगों ने डिस्कवरी में देखा होगा, उसमें हम देखते हैं कि शेर हो या अन्य कोई जानवर हो, वे अपने इलाके की सुरक्षा के लिए भी लड़ता है, झगड़ता है। तो इसमें क्या गलत है अगर एक मनुष्य भी अपने एक सीमा की रक्षा करने के लिए लड़ता हो, झगड़ता हो, तो इसमें क्या गलत है? इसको मैं इस प्रकार से देखता हूँ कि इसी धरती पर जानवर भी रहते हैं, इसी धरती पर मनुष्य भी रहते हैं, इसके बावजूद मनुष्यों में और पशुओं में फर्क तो है। तो जब फर्क है तो एक व्यक्ति को जानवर जैसा स्वभाव, ऐसा वर्ताव करना शोभित नहीं देता कि एक व्यक्ति, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से लड़े, ये शोभा नहीं देता। अपने बीच में जो मतभेद हैं, उन्हें मनुष्य में इतनी क्षमता दी है कुदरत ने कि वे बैठकर बातचीत कर कर अपने समाधानों का हल निकाल सकता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि एक मनुष्य को विवाद में नहीं उलझना चाहिए। अब तथागत बुद्ध की शिक्षाएं क्या कहती हैं इसके संबंध में? तो तथागत जब बुद्ध नहीं बने थे, बुद्ध बनने वाले थे,
बुद्ध बनने से एक रात पहले रात में जब वे ध्यान साधना कर रहे थे, हर पहर में उनको एक एक प्रकार की रिद्धि शक्ति यानी तो कोई सिद्धि, अलौकिक शक्ति जागृत हो रही थी। तो उनमें से एक अलौकिक शक्ति थी जिसका नाम कहा गया पुब्बे निवासानुसती। तो पुब्बे निवासानुसती में यह आता है कि तथागत बुद्ध की क्षमता, अपने पिछले जन्मों को देखने की क्षमता इतनी बढ़ गई थी कि वे अपने कहीं अनेकों जन्म तक जाकर देख पा रहे थे और देखा कि अमुक अमुक जन्म में, अमुक अमुक श्रेणी में पैदा हुए, अमुक अमुक गोत्र में पैदा हुए, अमुक अमुक नाम से पैदा हुए, और पैदा होने का कारण था कि कोई ना कोई ऐसा कर्म किया इसी के चलते। और उसी प्रकार से फिर देखा कि उसी ही रात में बुद्ध बनने से पहले और एक एक शक्ति जागृत हुई जिसको कहा दिव्य चक्षु, मतलब दिव्य चक्षु, मतलब अब अन्य लोगों के भी तथागत बुद्ध ने पुनर्जन्म देखने शुरू कर दिए कि उनके कितने सारे ऐसे जन्म हो रखे हैं। और उनका भी जब जन्म देख रहे हैं तो समझते हैं कि इस व्यक्ति का अमुक अमुक जन्म अमुक अमुक जगह पे हुआ, इस कारण से हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इस प्रकार से कर्म कर रखा था। तो जब तथागत बुद्ध ने समझा कि कर्म के सिद्धांत को इतनी गहराई से समझ लिया, तो देखा कि व्यक्ति जाने अनजाने में जो कर्म कर रहा है उसका परिणाम उसे किसी न किसी जन्म में भुगतना पड़ता है। तो भुगतना पड़ता है, इसके चलते ही तथागत बुद्ध ने पंचशील के सिद्धांत की बात कही। तो पंचशील क्या है? पंचशील तो वैसे अगर हम इसको एक लाइन में समझें, शील का मतलब ये होता है कि हम जिस प्रकार से अगर कोई हमें चोट पहुंचाए तो हमें अच्छा नहीं लगता, वैसे ही हमें बाकियों के साथ व्यवहार रखना चाहिए कि हम किसी को चोट पहुंचाएंगे तो उसे भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर कोई हमसे झूठ बोलता है तो हमें अच्छा नहीं लगता, वैसे ही हमें भी किसी और के साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर हमने मेहनत करके किसी चीज़ को कमाया है और कोई हमसे वो चुरा ले तो हमें अच्छा नहीं लगता, वैसे ही हम किसी की वस्तु जो हमें नहीं दी गई है उसे बिना बताए ले लें, छीन लें, चोरी कर लें तो उसे भी अच्छा नहीं लगेगा। इसी प्रकार से इसीलिए तथागत बुद्ध ने पांच शीलों की शिक्षा दी। तो पांच शीलों में क्या आया? पांच शीलों में यही आया कि प्राणी हिंसा नहीं करना। प्राणी हिंसा नहीं करना मतलब कि किसी को चोट नहीं देना, किसी को दुख नहीं पहुंचाना इत्यादि, किसी भी प्रकार की प्राणी हिंसा नहीं करना। दूसरा शील क्या कहा? कहा कि अपने अपने वाणी के कर्मों को दूषित नहीं करना। वाणी के कर्म किस प्रकार से दूषित होते हैं? तो झूठ बोलने से होते हैं, बात को बड़ा चढ़ा कर बोलने से होते हैं, इधर की बात उधर करने से होते हैं, या अपने शब्दों का इस्तेमाल करके लोगों के बीच में फूट पैदा करना, इससे भी वाणी का कर्म दूषित होता है। तो इस प्रकार के इत्यादि अन्य प्रकार के वाणी के कर्मों को नहीं करना, ये कहलाया दूसरा शील। तीसरा शील क्या है? तीसरा शील है चोरी नहीं करना। मतलब कोई वस्तु हमें जो नहीं दी गई है अगर हम उसे उठाते हैं तो वो चोरी कहलाता है। मान लेते हैं एक व्यक्ति रास्ते से जा रहा है और रोड पर उसे कुछ धन गिरा हुआ धन मिला। क्योंकि उस व्यक्ति को वो धन दिया नहीं गया, अगर वो व्यक्ति उस चीज़ को वहाँ से उठाता है तो भी वे तथागत की शिक्षाओं में चोरी ही कहलाती है। तो इसीलिए जो वस्तु हमें नहीं दी गई है अगर हम उसे लेते हैं तो वे चोरी कहलाती है। अब तीसरा शील क्या है? तीसरा शील है व्यभिचार नहीं करना। मान लेते हैं अगर किसी की शादी हो गई है तो उसे पूर्णतः प्रयास करना है कि वे अपने पति पत्नी पर ही केंद्रित रहे। अगर कोई बैचलर है जिसकी अभी शादी नहीं हुई है या स्टूडेंट है तो उसे पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पांचवा शील है कि किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना। तो ये जो शील है इनकी संख्या अनगिनत हो सकती है, फिर भी तथागत बुद्ध ने कहा एक उपासक के लिए
जो तथागत बुद्ध का अनुयायी हो उस उपासक या उपासिका के लिए पांच शील बतलाए। तो पांच शील का उद्देश्य इतना ही है कि कोई भी ऐसा शरीर या वाणी के द्वारा कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना जिससे जिसके चलते एक व्यक्ति को एकांत में जब बैठा हो तो उसे पछतावा हो कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों कहा। इसीलिए बुद्ध ने कहा ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए जिससे एक व्यक्ति को पछतावा हो। तो इस प्रकार से कोई व्यक्ति जब पंचशील का अनुसरण करता है, पालन करता है, तो उसका ना ही व्यक्तिगत जीवन सुधरने लगता है बल्कि जिस समाज में रहता है उस समाज को भी वे सुंदर और शांत बनाने में अपना योगदान देता है। किस रूप में? क्योंकि तथागत बुद्ध कहते हैं पंचशील का पालन करना अपने आप में महादान है। महादान इस रूप में जब कोई व्यक्ति किसी की हिंसा नहीं करता तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव, जो सुंदर प्रभाव है, समाज में पड़ता है। इसी प्रकार से जब व्यक्ति झूठ नहीं बोलता तो समाज में रहने वाले लोग उस पर विश्वास करते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो प्राणी हिंसा नहीं करता है, जो झूठ नहीं बोलता है, ये भरोसेमंद है, इस पे भरोसा किया जा सकता है। तो इसी प्रकार से जितने भी शील हैं एक व्यक्ति जब इनका पालन करना शुरू करता है तो देखता है कि समाज में भी उसके द्वारा योगदान दिया जा रहा है। बाकी की बातें हम कल के एपिसोड में करेंगे, अभी हम ध्यान की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान के लिए आप सभी अपने आप को तैयार कर लें। तो सबसे पहले एक सुखपूर्वक और आरामदायक आसन में बैठें, ऐसा कोई भी आसन जिसमें आप बहुत से बहुत देर तक बैठ पाएँ और सुखपूर्वक हो, ऐसे आसन में आप विराजमान हो जाएं। अब अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें और अपनी आंखें धीमे से बंद कर लें। ध्यान रखें कि जब तक हम लोग ध्यान साधना करने वाले हैं तब तक आपकी आंखें बंद रहेंगी। अब हम एक एक करके हमारे शरीर के सभी मांसपेशियों को ढीला करेंगे। तो सबसे पहले आप अपना सारा ध्यान अपने माथे पे ले जाएं और माथे में जहाँ कहीं भी तनाव हो वहाँ की मांसपेशियों को आप ढीला छोड़ दें। अब नीचे उतरते हुए अपने गालों की मांसपेशियों को ढीला कर लें। फिर अपने जबड़े की मांसपेशियों को ढीला कर लें। अब अपने गर्दन की मांसपेशियों को ढीला कर लें। दोनों कंधों की मांसपेशियों को ढीला कर लें। दोनों हाथों की मांसपेशियों को ढीला कर लें। छाती की मांसपेशियों को ढीला कर लें। पेट की मांसपेशियों को ढीला कर लें। पीठ के ऊपरी हिस्से की मांसपेशियों को ढीला कर लें। पीठ के निचले हिस्से की मांसपेशियों को ढीला कर लें। अब आपके कमर में जहां कहीं भी तनाव हो वहां की मांसपेशियों को भी ढीला कर लें। दोनों जांघों की मांसपेशियों को ढीला कर लें और अंत में अपने दोनों पैरों की मांसपेशियों को ढीला कर लें। तो
तो इस प्रकार से आपका सारा बदन, सारा शरीर शांत, तनाव से मुक्त रहे, एकदम रिलैक्स्ड रहे। अब अपना सारा ध्यान अपने सांसों पे केंद्रित करें और हर सांस, हर आती जाती सांस गहरी शांति की अनुभूति कराती रहे। हर सांस गहरी शांति की अनुभूति कराती रहे। और एक एक सांस लेते हुए आपका सारा बदन शांत रिलैक्स्ड हो। अब बदन के हल्के होने के बाद हम हमारे मन को हल्का करने के लिए क्षमा याचना का अभ्यास करेंगे। तो जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ, मेरे शब्दों को आप अपने मन ही मन में दोहराएं। तो क्षमा याचना का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले इस प्रकार से मन ही मन में दोहराएं और हर शब्द का अनुभव करते रहें। मैंने जाने अनजाने में शरीर, वाणी या मन के माध्यम से किसी को दुख दिया हो, किसी को पीड़ा दी हो, किसी को कष्ट दिया हो, मैं उन सब से क्षमा मांगता हूँ। मैं उन सब से क्षमा मांगता हूँ। वे सब मुझे क्षमा करें। वे सब मुझे क्षमा करें। वे सब मुझे क्षमा करें। मैं उन सभी को क्षमा करता हूँ जिन्होंने मुझे जाने अनजाने में शरीर, वाणी और मन के माध्यम से दुख पहुंचाया हो, पीड़ा दी हो, कष्ट दिया हो। मैं उन सभी को क्षमा करता हूँ। मैं उन सभी को क्षमा करता हूँ। मैं उन सभी को क्षमा करता हूँ। और आज से, इसी क्षण से ये संकल्प लेता हूँ कि मैं किसी प्रकार की प्राणी हिंसा नहीं करूँगा, किसी को कष्ट नहीं दूंगा, किसी को दुख नहीं दूंगा, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाऊंगा। और मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं अपने वाणी का दुष्प्रयोग नहीं करूँगा, जैसे कि झूठ बोलना, बेतुकी बातें करना, कटु शब्दों का इस्तेमाल करना, इधर की बात उधर करना, लोगों में कलह कराना, लोगों में फूट पैदा करना इत्यादि, इस प्रकार के किसी भी वाणी का दुष्कर्म नहीं करूँगा। और मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं चोरी नहीं करूँगा, अर्थात अपने सामर्थ्य से जिस किसी भी पेशे में हो सही तरीके से धन इकट्ठा करूँगा, सही मार्ग पर चलते हुए धन इकट्ठा करूँगा।
और मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं अपने शादीशुदा जीवन में रहते हुए अपने पत्नी या पति के प्रति वफादारी निभाऊंगा, और जिनकी शादी नहीं हुई है वे इस प्रकार से संकल्प लें कि वे अपने ब्रह्मचर्य जीवन का पूर्ण रूप से पालन करेंगे। और मैं ये संकल्प लेता हूँ कि मैं किसी भी प्रकार की नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करूँगा, जैसे कि दारू पीना, ड्रग्स का सेवन करना इत्यादि। किसी भी प्रकार के नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करूँगा। और इस संकल्प के बाद आपके शरीर के रोम रोम से मैत्री करुणा की तरंगे बाहर की ओर प्रवाहित हों, उसके लिए इस प्रकार से अभ्यास करें। विश्व के सारे प्राणी सबका भला हो, विश्व के सारे दृश्य अदृश्य प्राणी सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, लोगों के जीवन से सारे दुख दूर हो, लोगों के दुखड़े दूर हो, उनके जीवन से सारे कष्ट दूर हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सबे सत्ता सुखी होंतु, सबे सत्ता सुखी होंतु, सबे सत्ता सुखी होंतु। ये जो शांति का अनुभव मैंने किया है, ऐसा शांति का अनुभव करने का अवसर विश्व के सभी प्राणियों को ऐसा अवसर प्राप्त हो, सभी अपने दुखों से मुक्त हों। भवतु सर्वमंगलम्, भवतु सर्वमंगलम्, भवतु सर्वमंगलम्। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। बंते जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही अच्छे तरह से उन्हें इस गूढ़ विषय पर समझाया। तो साथियों, आज के इस विशेष प्रोग्राम में इतना ही। अब समय हो चुका है आज के प्रोग्राम के विश्राम होने का, लेकिन उसके पहले आपको बताते चलें कि अगर आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन कोई सुझाव, शिकायत या संदेश देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9639010109 पर अपना संदेश भेज सकते हैं, या हमारी ईमेल आईडी subhartibuddha@gmail.com पर भी आप भेज सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने मन की जिज्ञासाओं को या मन में आई बातों को दबाएंगे नहीं, और हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन अपने सुझाव या संदेश भेजकर हमसे या भंते जी से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। तब तक मैं आरपी सिंह भंते कुशल सुमन जी के साथ लेता हूं विदा। कल इसी समय आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अर्हतो।
अरहतो।